केंद्रीय बजट से लोगों को कई तरह की उम्मीदें हैं। चंडीगढ़ की महिलाएं सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की उम्मीद कर रही हैं। तो बजट के मामले में मैं यही कहूंगी कि सरकार को चाहिए कि थोड़े से जो घर के जरूरी चीजें हैं उनके दामों में थोड़ी सी कटौती करें। जैसे दालें हो गई, कितनी महंगी हो रही हैं। अब सब्जी सुबह लेने जाओ, दूध लेने जाओ, सुबह ही सारा बजट हिल जाता है हमारा। तो उसके बाद हम देखें, बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों की फीसें इतनी ज्यादा हैं, कौन से स्कूल में पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, हर चीज पे महंगाई बढ़ती जा रही है। बजट से एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि बेसिकली बेसिक नीड चेक होनी चाहिए लोगों की कि क्या है। एक आम परिवार की जो वो चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं उसका हमें कोई फायदा नहीं है। बेसिक नीड्स, खाना, रोटी जो भी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, वो सस्ते होने चाहिए। बाकी ये कुछ भी कर ले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार वोट के टाइम आ जाते हैं सारे, उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछता। बजट नू लेके तो बहुत टेंशन हो रही है। पहले ही इतनी महंगाई हो चुकी है कि साढ़े गुजारे नहीं हो रहे। एक महंगाई नू रोकना चाहिए। असी कुछ भी नहीं कहते, अपने खुल के चीज कहते खा सकते हैं। ते रोटी पूरी नहीं हो रही तो असी फ्रूट वगैरा कितों खा सकते हैं। दवाइया अजकल हरेक नू बहुत जरूरी है। दवाइया के रेट बहुत वध रहे। हरेक चीज के उत्ते इन्होंने टैक्स लगाने शुरू करती है। GST वधदा ही जा रहा है। जो भी कोई है, मतलब ये साडे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल। वे महिलाएं जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में उन्हें अपने खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मेरा गवर्नमेंट से बस यही है कि कुछ महंगाई में कंट्रोल करें। गैस के रेट कम हुए हैं, आगे से थोड़े हुए हैं, थोड़ा सा और कम करें। पेट्रोल के रेट कम होंगे तो सब चीजों के रेट कम हो जाएंगे। और दूध वाले तो हर चौथे दिन, हर 6 महीने बाद 2 रुपए किलो बढ़ा देते हैं। कम से कम उन पे भी कंट्रोल करो। बच्चों को क्या दें? मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पे कोई इनकम के सोर्सेज नहीं है। महंगाई सिर्फ घरेलू महिलाओं के लिए ही मुद्दा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। भी हमारा बजट आने वाला है, उसके लिए मैं बड़ी चिंतित थी कि आगे की हमारी सर्वाइवल कैसे होगी। और हर चीज के दाम इतने, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जैसे पेट्रोल की देख लीजिए, और आगे सिलेंडर के रेट भी हैं, सब्जियों के। और मैं अपने आप को आगे ओल्ड एज के लिए भी सिक्योर फील नहीं करती इतनी महंगाई में। आगे के लिए अपना मैं कैसे कर पाऊंगी? आई एम नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट और मैं एक प्राइवेट हूँ। दालें, आटा, जो कुछ भी घर में हमारा डेली यूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़े से रेट्स और कम किए जाएं, ताकि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ठीक रहे। और आगे के लिए टेंशन भी होती है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि फैमिली भी बढ़ रही है जैसे, तो कैसे मैनेज होगा। जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों ने महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। चंडीगढ़ की महिलाओं की माने तो ऐसे हालात देश की हर घर की रसोई के हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।